अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 26 मुहर्रम अल हराम है और कल 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर के कॉलेज के बड़े मैदान में किसानों की महापंचायत होने जा रही है। हम आपको एक वीडियो पेश कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर से ही सोशल इंडिया न्यूज़ के साथ नईम त्यागी जुड़े हुए हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पिंडाल की तैयारी किस तरह हो रही है, किस तरह राष्ट्रीय लोक दल के दफ्तर को सजा दिया गया है और किस तरह पूरे पिंडाल में किसान जा रहे हैं। उधर पता चला है कि हरियाणा से हज़ारों किसान पहुँच रहे हैं, कुछ रास्ते में कुछ पहुँच चुके हैं। उधर पूरे उत्तर प्रदेश से आसपास के इलाकों से किसान पहुँच रहे हैं। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि कल मुजफ्फरनगर के कॉलेज के इस मैदान में लाखों किसान हो सकते हैं। उधर राकेश टिकैत ने बहुत साफ तौर से कहा है कि अगर पुलिस ने हमें रोकने की कोशिश की तो पुलिस की रुकावटों को तोड़कर आगे निकला जाएगा और पुलिस की खड़ी की रुकावटें, बैरिकेटेड सब कुछ तोड़ दिया जाएगा। कोई ताकत किसानों को कल महापंचायत से रोक नहीं सकती। ये राकेश टिकैत ने आज दिन में बहुत ही वाज़े अंदाज में ऐलान किया है। हम मौके की कुछ तस्वीर भी पेश कर रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह लोग कारों के ज़रिए और ट्रैक्टर के ज़रिए वहाँ रैली में जा रहे हैं। और आपको बतला दें कि कल की जो मुजव्वज़ा महापंचायत है वो उत्तर प्रदेश के सियासी रुख को, सियासी हवा को बदल सकती है। गरचे राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है और इसमें किसानों के मसाइल उठाए जाएंगे, लेकिन सब जानते हैं कि सरकार ने जिस तरह पिछले 9 महीने से किसानों को खुले आसमान के नीचे छोड़ रखा है और जिस तरह किसान खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जिस तरह किसान ज़रिए कानून, कृषि कानून को लेकर मुजाहरे कर रहे हैं और धरना दे रहे हैं और सड़क पर बैठे हैं, सरकार के कानून पर जूं तक नहीं रहेंगी है, इसको सबको पता है, सबको जानते हैं। इसलिए कल की जो महापंचायत होने वाली है वो सियासी हवा बदल सकती है और सियासी रुख बदला जा सकता है। आप हमारे साथ बने रहिए, कल हम पूरे दिन आपको अपडेट हालात से इत्तिला देते रहेंगे।